Hi everyone, my name is Ishika Sharma and today we are going to study the chapter number 5 of class 6th English. The name of the chapter is A Different Kind of School. Before you read, do you know these words? If you don't, find out their meanings: bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. अगर पता है आपको इसके word meanings तो इट्स ओके, और अगर नहीं पता तो काइंडली फाइंड इट आउट. लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है ये. सो लेट्स स्टार्ट. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक वी डिड द चांस कम टू विजिट इट. तो उसने क्या सुना, एक ग्रेट डील के बारे में सुना मिस बीम्स के स्कूल के बारे में. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट. लास्ट वीक तक चांस नहीं आया विजिट करने का. व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इनसाइड बट अ गर्ल अबाउट 12. तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे कोई नहीं था बट एक गर्ल थी जो 12 ईयर्स के आसपास की थी. हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड She was being led carefully between the flower beds by a little boy. तो क्या बोल रहे हैं कि उसकी आईज कवर्ड थी बैंडेज से एंड वो carefully between the flower beds के खड़ी हुई थी. Who was about 4 years younger. जो उससे 4 years छोटा ही होगा आसपास अप्रॉक्स. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और she asked who had come. He seemed to be describing me to her. देन दे पास्ड ऑन. तो फिर उसने उसको डिस्क्राइब करा और वो लोग चले गए वहाँ से. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. तो उसने जो एक्सपेक्ट करा था वो वैसी ही थी. मिडिल एज की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, काइंड थी और अंडरस्टैंडिंग थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. उनके हेयर्स बिगिन हो गए थे टर्न ग्रे होने के. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वेयर सिंपल. और वो बहुत सिंपल थे. जो No more than is needed to help them to learn how to do things. कुछ needed नहीं था. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. तो क्या simple चीज़ें सीखनी थी? Simple spelling, adding, subtraction, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by result or by interesting talks. और बाकी सब उनकी reading और interesting talks से हो जाता है. During which they have to sit still and keep their hands quiet. तब तक उन्हें बैठना पड़ता था और चुपचाप बैठना पड़ता था. There are practically no other lessons. और practically कोई और other lessons नहीं होते थे. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. Thought सिखाना नहीं था उनका, मतलब उनका thoughtfulness होना ज़रूरी था. kindness सिखाना ज़्यादा उनके school का aim था. एंड बींग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना सिखाना उनका एम था. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. तो उसने बोला कि आप बाहर देखो विंडो के. कैन यू. आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक. तो मैंने विंडो से देखा तो एक लार्ज गार्डन था वहाँ पे और प्ले ग्राउंड था एट द बैक. What do you see? Miss Beam asked. तो Miss Beam ने क्या पूछा कि क्या देख रहे हो आप, क्या देख पा रहे हो. I see some beautiful, very beautiful grounds, I said. तो उसने क्या बोला, मैंने बहुत beautiful एक ground देखा and a lot of jolly children और बहुत खुश बच्चे. It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. तो उनने बोला कि बट ये देख के अच्छा नहीं लग रहा कि वो लोग हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं है. व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट. तो मैंने आते से ही देखा कि एक पुअर गर्ल खड़ी हुई थी वहाँ पे. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी.
and there is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be hopeless and crippled. तो उन्होंने क्या बोला कि पहले मैंने उसके आईज पे बैंडेज देखी, अब दो और बच्चे ऐसे देखे और एक तो क्रचेस पे भी देखा, जो खेल नहीं पा रही है, सिर्फ लोगों को देख रही है. मिस बीम लाफ्ड. ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम. तो मिस बीम ने क्या बोला कि नो, शी इज़ नॉट रियली बीम, दिस इज़ ओनली हर लेम डे. तो उसने क्या बोला कि वो लेम नहीं है, बट वो ऐसा एक्ट करे बिकॉज आज लेम डे है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे. और दूसरे लोग भी ब्लाइंड नहीं है, बस उनका ब्लाइंड डे है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन. और मैं बहुत सरप्राइज हो गया था और वो फिर से हंसने लगी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. तो उसने बोला कि ये जो सिस्टम है पार्ट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रीशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून. तो ये क्यों करते थे वो लोग, अप्रीशिएट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग मिस फॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू. तो लोग और लोग भी कैसे रहते हैं वो सब उनको सिखाने के लिए ये करना पड़ता है उनको. ये हमारे सिस्टम का पार्ट है. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. तो एक पूरे उसमें एक ब्लाइंड डे होता है उनका, सारे टर्म में एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे होता है, एक डेफ डे होता है. डेफ मतलब बहरा, डम मतलब गूंगा. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीक. तो ब्लाइंड डे वाले दिन उनकी आंखों पर बैंडेज बांधी जाती है. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड. तो ओवरनाइट पुट कर देते हैं उनको. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. और इस टाइम पे उनको हेल्प चाहिए रहती है सबकी. अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. तो दूसरे बच्चों को क्या दे दिया जाता है, ड्यूटी दी जाती है उनको हेल्प करने की. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. तो वो ब्लाइंड और हेल्पर्स दोनों की तरह काम करते हैं. देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड. तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई डिफ़िकल्टी और अनप्लेजेंटनेस नहीं है. मिस्ट्री का मतलब होता है everyone is very kind, और सब बहुत अच्छे हैं. and it is really something of a game, और ये एक टाइप का गेम है. before the day was over, though even the most thoughtful less child realizes what is misfortune is. तो जो thoughtless child है वो डे ख़त्म होने से पहले उसको भी समझ आ जाता है कि misfortune क्या होता है. the blind day is of course really the worst. the blind day ऑफकोर्स सबसे वर्स्ट है, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज मोस्ट डिफिकल्ट. तो कुछ बच्चों ने बताते हैं कि डम डे बहुत डिफिकल्ट है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. तो हम बैंडेज बच्चों के मुँह पर तो नहीं लगा सकते, बट उनकी विल पावर के थ्रू दे विल नॉट टॉक. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. आप खुद चलो और देखो कि चिल्ड्रन को कैसा लगता है. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. मिस बीम कहाँ लेके गई उनको, बैंडेज गर्ल के पास. हेयर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. तो उन्होंने वो बैंडेज गर्ल का क्या बोला कि हेयर इज़ अ जेंटलमैन, दे वॉन्ट टू मीट यू. डू यू एवर पीप, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल. ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग. तो पीप करना चीटिंग होगी ऑफकोर्स. तो उसने बोला दैट इज़ चीटिंग, आई डोंट डू दैट, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. यू कैन सी योर थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. तो आपको कुछ दिखता नहीं है और आपको हर पल ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और सबसे ज़्यादा रिलीफ किस चीज़ में मिलता है, यू हैव टू सिट डाउन. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू. उसने पूछा क्या आपके हेल्पर्स काइंड हैं. आई आस्क फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माय टर्न. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. और जो ऑलरेडी ब्लाइंड बन जाते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स होते हैं. इट इज़ परफेक्टली गैसली नॉट टू सी. आई विश यू वुड ट्राई. शैल आई लीड यू एनी वेयर. उसने पूछा कि मैं आपको कहीं छोड़ दूँ. आई आस्क. ओ येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. तो उसने बोला लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक.
Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. तो आप बताओ, मैं बहुत glad हूँगा सारी चीज़ के बारे में. The other bad days can't be half as bad as this. तो उसने बोला कि जितने आज का दिन बुरा है उससे कम बुरे होते हैं बाकी के दिन. Having a leg tied up and hopping about a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up, it is a bit more troublesome because you can't eat without help. तो उसने बोला कि जब आप क्रच पे होते हो तो you have to hop, and जब आपके arm tied होते हैं तो आपको help लेनी पड़ती है कुछ खाने के लिए भी किसी की, because you can't eat without help. And things like that, I don't think I will mind being a deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. But जब आप अंधे होते हो, जब आप blind होते हो, बहुत ज़्यादा डरावना होता है. My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. यही दिमाग में चलता रहता है कि मेरे को लग जाएगी, I will get hurt. Where are we now? In the playground, I said. We were walking towards the house, Miss Bean. तो उन्होंने बोला, क्या बोला? कि we are walking towards the house. You can see in the picture as well. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. So Miss Beam ऊपर से नीचे जा रही थी tall girl के साथ. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. The blue cotton skirt and a pink blouse. I think it is Millie, she said. What color is her hair? Very light, I said. तो उसने क्या बोला? That is Millie, she the head girl. There is an old man tying up roses, I said. Yes, that's Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. तो उसने बोला he is very old and he is the gardener. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. That's Anita, she said. तो उसने क्या बताया? वो अनीता है. And so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. She replied, then there is something in my system after all. So, this story was written by E.V. Lucas, abridged and simplified. तो ये क्या है? Simplified है more. And it was a very, very, very wonderful story. I hope you got the message कि हर चीज़ difficult होती है, but nothing is impossible. सबकी life different होती है और we should not tease anyone. हमको अच्छे से रहना चाहिए, सबकी respect करनी चाहिए and all. So, here we are done with our explanation. This is the part 1 of the video, and in the next video we will be discussing meanings, question answers as well as all the exercise of the chapter. So thank you guys for watching it, and thank you guys for supporting us like this. Please, please, please hume subscribe kare, share kare aur like kare. Thank you.